यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला देकर इस सरकार के कामकाज को पुनः एक बार बेनकाब किया है, एक तमाचा मात्र। लेकिन कोर्ट में सतीश चंद्र मिश्रा ने खुद कहा है कि 2003 में ये मामला दर्ज किया गया जब एनडीए की सरकार थी, तो दुरुपयोग तो आप लोगों ने भी किया। देखिए, उस समय जो जांच के मामले में आधार आए थे उसके आधार पर किया था, वे आधार जो है वे उस समय गलत नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से न्यूक्लियर बिल पर और छोटे छोटे दूसरे कामों पर हर समय भारत की संसद में मायावती जी और मुलायम सिंह जी को ये जांच एजेंसियों का डर दिखाकर उनका समर्थन लिया गया, वह क्या था? वह यही था कि वह ब्लैकमेलिंग थी। So you're saying CBI is being misused by the UPM? We are saying that the government is misusing the investigative agencies to use them as political tools and have the political support from various political parties who can be compelled through such tactics. Sir, PM पर बोलेंगे क्या? PM पर वो। कल PM इतना लंबा चौड़ा दे दिया सब। B means business and और रुपया आज गिर गया। रुपया गिर गया। Investors को PM ने बोला कल। PM ने लंबे चौड़े कल उन्होंने बात की। सर 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 सर। अरे तरुण जी एक छोटा सा। PM। इधर घूम जाइए। PM साहब ने कल कहा कि हम निवेश की स्थिति बनाएंगे, विदेशी पूंजी लाएंगे, दुनिया भर के उन्होंने तमाम तरह के आश्वासन दिए, वायदे किए हैं, और आज रुपया फिर गिर गया। वास्तव में स्थिति यह है कि देश नेतृत्वहीन अर्थव्यवस्था का शिकार हो चुका है, और अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी एजेंसीज ने यह डिक्लेयर कर दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था को कोई नेतृत्व नहीं है। इससे बढ़कर एक इंडाइटमेंट भारत की सरकार का क्या हो सकता है? प्रधानमंत्री भी अर्थशास्त्री हैं और उनके जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं वे भी वित्त मंत्री रहे, लेकिन दोनों वित्त विशेषज्ञों का कमाल यह है कि देश की अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, आम आदमी के लिए आने वाला समय अत्यंत दुष्कर और जीवन मुहाल करने वाला होगा। जितना वे कहते हैं अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उतना ही रुपया लुढ़कता है, और रुपया के लुढ़कने से लाखों करोड़ रुपए का भारत के व्यापारियों को, आम जनता को तो नुकसान हुआ ही है, भारत से पूंजी निवेश गायब हो गया है। यहाँ के पूंजी निवेशक भी भारत के बाहर अन्य देश ढूंढ रहे हैं, और विदेशी पूंजी निवेशक अब भारत नहीं आ रहे हैं। ये स्थिति भारत के लिए बड़ी संकटपूर्ण है, और इसके लिए पूरी तरह से UPA और ये दो महान अर्थ विशेषज्ञ जिम्मेदार हैं। ये नहीं।